शाम स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग वड़ी। ये मूंग की दाल से बनती है। ये देखो, ये मूंग की दाल है, भिगोई हुई है ये मूंग की दाल। इसे मैंने 4 घंटे तक भिगोया है। 2 या 3 घंटे भी आप भिगो सकते हैं। आपके पास अगर घर की हो तो इसे अच्छे से धो लेना। अगर आप बाजार से ही लाते हो तो फिर कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1-2 बार अच्छे से धो के भिगो के रखना है। अब मैं इसे 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और अब इसे मैं मिक्सर में पीसने वाली हूँ। हम इसमें लहसुन भी डालने वाले हैं। आप चाहे तो मेथी भी डाल सकते हो, थोड़ी सी अच्छी रहती है मूंग वड़ी, इससे ख़राब नहीं होती। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी दाना है, ये मैंने इसे भी भिगो के रखा था इसके साथ। ये भी अच्छा होता है सेहत के लिए। आप ये भी ज़रूर डाल के देखना। थोड़ा डालना है इसे, ज़्यादा नहीं। और इसमें मैंने थोड़ी मटकी की दाल भी ली है बीच बीच में मिक्स की हुए, ज़्यादा नहीं, मूंग की दाल ही ज़्यादा ली है मैंने। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है, इसे मैंने पीस लिया है, देखिए। इसे ज़्यादा फाइन पेस्ट मत करना, दरदरा ही पीसना है हमें इसे। ये मिक्स मूंग वड़ी है फ्रेंड्स। इसमें मैंने मूंग की दाल, मटकी की दाल और मेथी दाना लिया है, आपको पता है। तो ये मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैं ये सब पीस लूँगी, फिर बाद में आपको बताऊँ। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने सब कुछ पीस लिया है, दरदरा मैंने आपको बताया था वैसे, ये देखो। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, ये है नमक, और ये मैंने जो आपको भिगी हुई मेथी बताई थी ना, भिगी मेथी दाना, उसका ये पेस्ट है। और ये है लाल, तीखा आप आपके मन से ले सकते हैं। और ये मैंने जीरा और लहसुन, मैंने आपको बताया था जीरा और लहसुन इसका पेस्ट करके लिया है मैंने। और ये है हल्दी, में ये सब हमें इसमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। मेथी दाना से ज़्यादा दिन ये टिके रहते हैं, इसमें कुछ कीड़ा वगैरह या फिर जाले नहीं लगते, इसलिए ये अच्छा होता है, आप ज़रूर डाल के देखना। और ये है जीरा और अदरक का पेस्ट, इससे अच्छी टेस्ट आती है जब भी हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो। ये सब मैं इसमें एक एक करके डालूंगी। ये मैं अब नमक डाल रही हूँ, ये देखो स्वाद अनुसार नमक डालना, थोड़ा कम ही डालना दोस्तों, क्योंकि हम जब इसकी सब्जी बनाते हैं तो हमें सब्जी में ऐड करना होता है। ये लाल मिर्च, ये भी आप कम ज़्यादा डालना सब्जी करते वक्त, ये ध्यान रखना आप कि इसमें ये डला हुआ है। अब ये हल्दी डाल रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, क्योंकि समर डे चालू है, तो आपको साइड में अगर कुछ आवाज़ आ रही हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप। और इसे अपने हाथों से या फिर आप चम्मच से भी मिक्स करते हो सकते हो, लेकिन हाथों से अच्छे से हाथ धो लेना और मिक्स करना, हाथों से ज़रा अच्छे से मिक्स करने आता है। इसे हमें अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको पता है इसमें अगर हम इस बैटर में हम अगर प्याज काट के और धनिया पत्ता काट के डालेंगे तो हमारे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो जाएंगे। मैं वो भी करने वाली हूँ, इसका मैं आपको बाद में वीडियो बताऊँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें यह हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ लास्ट में, क्योंकि यह हम इतनी देर से फेंट रहे थे ऊपर नीचे करके, हम अच्छे से फेंट रहे थे। एक बार देख लो हम कैसे फेंटते हैं, ऐसा करके उस पर एक में डालना है, नीचे से ऊपर से नीचे, ऐसे करने से जो हमारी मूंग वड़ी होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है और हल्की होती है, और जब भी हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी पक जाएगी, उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी मूंग वड़ी डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, सैम स्पेशल पे आपको ऐसी अलग अलग रेसिपीज देखने मिलेंगी।
फ्रेंड्स देखो हमने छोटी छोटी मूंगफली डाली है, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे डाल रही हूँ। छोटी छोटी डालना, ज़्यादा बड़ी मत डालना, बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, बहुत खाने में टेस्टी होती है। बच्चे हम मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं खाने में। ये पॉलीथीन की प्लास्टिक की कैरी बैग है फ्रेंड्स, ये मैं जब भी समर डेज में मतलब जो भी पापड़ वगैरह करती हूँ ना तो ये मैं यूज़ करती हूँ। इसे थोड़ी जाड़ी वाली लेना है, आपको पता होगा ये इजी अवेलेबल हो जाती है कहाँ पे भी, इससे चिपकती नहीं है, हम जो भी खाने की चीज़ बनाते हैं और इस पर करते हैं वो इजीली निकल जाती है। ये देखो मैं कैसे डाल रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार फ्रेंड्स देखो इसे ऐसे डालना है, हम जैसे पकौड़े डालते हैं ना तेल में गर्म किए हुए वैसे ही, लेकिन इसकी साइज़ जो है वो छोटी लेनी है हमें, ये देखो। और इसे धूप में 2-3 दिन अच्छे से सुखाना है या फिर 3-4 दिन, फिर हम साल भर इसे यूज़ कर सकते हैं। सब्जी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेना पड़ता, एक मुट्ठी में अगर जितने बैठते हैं मूंगफली उतनी लेना है हमें। आप इसकी गाढ़ी सब्ज़ी भी बना सकते हैं और इसकी आप पतली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। फ्रेंड मैं इसे हर साल बनाती हूँ, ये बना के साल भर हम खा सकते हैं। समर डेज में ऐसी ही और बहुत सारी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए किसी चीज़ की रेसिपी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। सास स्पेशल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा मेरे चैनल पर बने रहना, अगर कुछ लगे तो आप वीडियो में मुझे बता सकते हैं कम ज़्यादा। फ्रेंड्स ये जब अच्छे से धूप में सीख जाएंगे 2-3 दिन के बाद तो ये बहुत ऐसे एकदम करारे लगेंगे, तब मैं आपको इसे बताऊंगी। अब मैं डाल रही हूँ, मैं पूरा डाल लेती हूँ ये रहा हुआ बाकी वाला, और आप जब ये सूखेगा तो मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे धूप में सुखाया था, ये बिल्कुल एकदम सूख गए हैं, देखो इसका आवाज़ कैसा आ रहा है ये देखो। तो ये हमारी मूंगफली तैयार हो गई है, मैंने इसे बना के पूरे एक दिन धूप में रखा था और फिर शाम को मैंने ला के रखा और फिर दूसरे दिन मैंने इसे धूप में सुखाया है, 2-3 दिन इसे धूप में सुखाया और ये अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसके आप साल भर कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब चाहे आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाय, आप इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको इस मूंगफली की सब्ज़ी भी चाहिए तो मैं वो भी आपके चैनल पे दिखाऊंगी मेरे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय फ्रेंड।